हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ और आज का व्लॉग मैं फिर से दुकान पे स्टार्ट कर रहा हूँ। और आज के व्लॉग में मैं मतलब सुबह सुबह व्लॉग, अभी 10 बज रहे हैं तो ये बता देता हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग कैसे आने वाले हैं। मतलब जो अगला व्लॉग है ना मेरा, तो उसमें मैं आपको गुरु धीरेन्द्र शास्त्री से मिलवाऊंगा। तो मैं भी अभी अभी सोचा कि हाँ हाँ ये सिस्टम, तो कल मैं वहाँ जा रहा हूँ, जहाँ भी जा रहा हूँ आपको दिखा दूंगा वो नेक्स्ट व्लॉग में। तो बस आप इतना ध्यान याद रखना कि मैं आपको धीरेन्द्र शास्त्री जी के दर्शन करवाऊंगा लाइव। तो अभी कंफर्म नहीं है, मतलब मैं पूरी कोशिश करूंगा कल करवाने की पूरी। फिलहाल मतलब मैंने घर वालों को पूछा था, घर वालों ने मतलब थोड़ा सा काम चल रहा ना ये घर दुकान का, उसकी वजह से मैं कंफर्म नहीं कह सकता, बट मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो अभी मैं हूँ दुकान पे और कस्टमर आए हैं। तो साथ में यार ये देखो अभी अभी सामान आया, बस एक डब्बा खोला, अभी तीन डब्बे पेंडिंग है, उसमें अलग सामान होगा। फिलहाल तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इस टाइप में लोफर जूती आई हुई है, मतलब इस शेप में कपड़े वाली है ये, और ये भी कपड़े वाली है, ये इस शेप में है। इसमें आपको कलर मिल जाएंगे और इस टाइप के लेदर शूज, इसमें भी कलर मिल जाएंगे अलग अलग शेप्स के। तो अभी और भी आ रहा है, वो शायद छोटे बच्चों वाले हैं। इस डब्बे में दो छोटे बच्चों वाले हैं और उसमें अलग हैं, और एक अंदर है डब्बा उसमें अलग होंगे। तो दिखाता हूँ अगर टाइम मिलता है मुझे। यार थोड़े दिनों से ना बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मेरे ईयर्स, मतलब जब भी हाथ फेरता है सिर पे 10-15 ईयर्स तो आते थे, 10-15 बाल, पता नहीं टूट रहे हैं या ये जड़ से निकल रहे हैं, मुझे नहीं पता है वो सब। तो अभी मैंने ये शैम्पू लिया, ये देखो मामार्स का ओनियन शैम्पू लिया है, शायद इससे फ़र्क पड़ना चाहिए फ़र्क इससे यार। अब डॉक्टर के पास गया था, डॉक्टर ने तो टैबलेट ही देनी है, डॉक्टर ने बोला कि ये टैबलेट खाओ तो फ़र्क पड़ जाएगा ये वो ऐसे वैसे। तो फिर मैंने शैम्पू लिया, शैम्पू मैं यूज़ नहीं करता था, तो भी करके देखते हैं। और साथ में मतलब जब से मैं डाइट ले रहा हूँ ना, जिम की डाइट, तब से ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, पता नहीं। तो अभी जिम तो मैं आज नहीं गया था क्योंकि आज संडे था, कल अगर मैं कल गया ना उधर गुरु धीरेन्द्र शास्त्री उनकी कथा में तो मैं जिम नहीं जा पाऊँगा। जाना तो है उधर यार, कोशिश पूरी कोशिश करूँगा, मगर यार घर पर भी काम है। अब कल उनकी कथा थी 21, 22 और 23, आज 22 है और कल 23 है, तो लास्ट डे है। फिर मैं अगर उनके साथ मिलूंगा फिर मैं जाऊंगा बागेश्वर धाम, वहीं मिलूंगा। तो अभी पठानकोट आए हुए थे वो कथा करने, तो यार ये मुझे मौका नहीं गंवाना चाहिए। तो देखते हैं, वो तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। फिलहाल तो मैं दुकान पर हूँ और थोड़ी देर के बाद घर पर जाऊँगा, थोड़ी देर के बाद चलते हैं। फिर बने रहना व्लॉग के साथ, दुकान पर हूँ, क्या ही दिखाऊँ आपको, कहीं घूमने तो सिस्टम नहीं सेट हो रहा है एक दो दिन का। तो गाइस अभी मैं हूँ दुकान पे, शाम का 6:30 हो रहे हैं, मतलब 6 के आसपास ही टाइम हो रहा है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, ये बाहर अंधेरा हो गया। तो बस अभी थोड़ा सा काम करना है इधर, ये देखो ये पड़ी है ड्रिल, ये ड्रिल मशीन, यहाँ पे इसको काटना है थोड़ा सा। तो यहाँ पर पौड़ी बनानी है, पौड़ी वो तो मिस्त्री ने बनानी है, इससे बस काटना है। और साथ में यार जैसे जैसे टाइम कम होता जा रहा है ना, चांसेस भी कम होते जा रहे हैं कल जाने के, क्योंकि काम बढ़ते जा रहे हैं, बाकी सब टाइम भी कम चांसेस भी कम, बस यही है, काम ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं। मैं भी सोच रहा हूँ कि हाँ यार, अभी मैंने घर पे पूछा नहीं, घर वालों को पता है कि वो धीरेन्द्र शास्त्री उधर आए हैं, पठानकोट आए हैं, मैंने भी पूछा था कि मैं जाऊँगा, मैंने बोला जाना तो जाना, मगर काम देखते हैं क्या बनता है सीन। मैं आ गया हूँ घर पे और मैंने पूछ लिया घर पे मम्मी जी कल जाऊँ मैं सवेरे, कल जाऊँ मैं सुबह, अभी तक कोई पता नहीं है। नहीं क्यों, काम है घर पे, घर पे काम है, घर पे काम है, दुकान पे काम है। सुबह का मैंने बोला है कि मैं जाऊंगा, आज स्टार्ट करते करते बोला था, तो देखते हैं फिर कभी, फिर सीधा बागेश्वर जाना पड़ेगा, बागेश्वर धाम। कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है कल सुबह आ जाएगा।
संदेश चानी। हाँ संदेश से कोई पता नहीं कब आ जाए। डैडी को पूछता हूँ अभी, हेडक्वार्टर पूछता, हाई कोर्ट पूछता हूँ, हाई कोर्ट से परमिशन नहीं। डैड जी जा फिर सर, मैं सर 6 बजे जाना है, फिर आ जाना जल्दी जल्दी वापिस। ठीक है हाँ उदे को बाद फिर उन्हें चली जाना है, फिर बागेश्वर जाने होना। बागेश्वर जम्मू जी है, रियासी भी तो मुझे नहीं लगता कल जा पाऊंगा मैं। तो गाइस आई होप आपने भी सुन लिया होगा, तो फाइनली मुझे जाने की परमिशन नहीं मिली क्योंकि घर पे काम है उसकी वजह से। तो कह रहे हैं कि सीधा बागेश्वर ही जाना। बागेश्वर मैंने बोला कि जाना नहीं तो फिर बागेश्वर जाना पड़ेगा। बोलते हाँ कोई बात नहीं बागेश्वर जाना, तो वैसे भी 2-3 दिन है काम बस, उसके बाद कह रहे हैं उसके बाद जाना। तो देखते हैं देखना क्या है कैंसिल। तो अभी मिलता हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय गुड नाइट। कोई पता नहीं है कंफर्म कि जा रहा हूँ या नहीं जा रहा हूँ, वो नेक्स्ट व्लॉग में पता चलेगा। तो बाय बाय गुड नाइट, राधे राधे।